Fudgy, flaky, gooey, indulgent, and chocolatey. This is cookie. You may call this size bazooki or a giant cookie or maybe a cookie cake. But whatever it is called, it tastes heavenly. Recipe is simple but involves quite some tricks. Make sure you follow them well. Let's begin by taking 100 grams of room temperature butter, to which I am adding an equal proportion of powdered white sugar and. पाउडर्ड ब्राउन शुगर अब शुगर ऐड करने के बाद हम इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर रेसिपी के लिए मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इलेक्ट्रिक मिक्सर यूज़ करें क्योंकि इलेक्ट्रिक मिक्सर यूज़ करने की वजह से एयर इनकॉपरेट हो जाती है और हमें एयर पॉकेट्स नहीं चाहिए हमें अपना कोकी फाजी चाहिए तो जिस तरह से मैं इस बैटर को ब्लेंड कर रही हूँ और एक पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी में ये ब्लेंड हो रहा है इस तरह से ही आपने इसको ब्लेंड करते जाना है अब इस पेस्ट के अंदर हम शामिल करेंगे वन कप या टू हंड्रेड ग्राम्स ऑल पर्पज फ्लायर और इसके बाद हम इसको जेंटली मिक्स करेंगे इतना कि ये क्रम्बली सा मिक्सचर फॉर्म हो जाए जेंटली आपने इसको मिक्स करते जाना है अब इस क्रम्बली टेक्स्चर के आ जाने के बाद हम इसमें एक अंडा शामिल करेंगे अंडे को हमने हल्के हाथ से बीट कर लिया अब ये बीटन एग हम अपने मिक्सचर में डाल देंगे और उसको फिर हम हल्के हाथ से मिक्स करेंगे थोड़ा सा मिक्स हो जाने के बाद ये मेरी ट्रिक है आप चाहें तो आप शुरू में भी डाल सकते हैं ये वन टीस्पून बेकिंग पाउडर है मेरे पास ये हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर होना चाहिए बेकिंग सोडा नहीं और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा हम आ, इसको अच्छे से एक डो बना लेंगे डो बिल्कुल ब्रेड डो की तरह नहीं होना चाहिए इस तरह से हमने बस इसको जोड़ना है आप इसमें और ये क्रम्बली ही रहेगा दिस इज द ब्यूटी ऑफ कुकी डो इसको हमें इसी तरह रखना है अब मैंने ये एक चीज़ पैन लिया है जिसका बॉटम इस तरह से अलग हो जाता है तो आपने ये वाला पैन लेना है और मैंने इसको अच्छे से बटर से ग्रीस कर लिया है ऑन द बॉटम ऑन द साइड्स प्रॉपरली ताकि कुकी हमारा ईजिली इसमें से निकल आए बाहर जब वो बेक हो जाए इसी तरह से आपने बटर लगा लेना है ओवर द साइड्स ऑन द बॉटम इसके बाद जो हमने डो बनाया था हम उसकी हाफ क्वांटिटी को इस मोल्ड में डालेंगे और उसको प्रॉपरली प्रेस करते जाएंगे डो इसी तरह क्रम्बली होना चाहिए इस तरह से अपने हाथ से लाइटली इसको प्रेस करते जाएं और इस तरह से मोल्ड में इस डो को हमें सेट करना है अब ये डो तो इस तरह से जब सेट हो गया है तो हमारे पास है न्यूटेला या कोई सा भी अपनी पसंद का आप चॉकलेट स्प्रेड या कोई भी बिस्किट स्प्रेड लेके जितनी क्वांटिटी आप चाहें वो आपने इस स्टेज पे स्प्रेड कर लेनी है अगर आपको फिलिंग वाला कुकी बनाना है तो चूँकि हम बना रहे हैं इस तरह से इसको लेयर में स्प्रेड कर देना है अच्छे तरीके से स्प्रेड हो जाने के बाद जो हमारा ये बाकी का बचा हुआ मिक्सचर है वो हमने किस तरह से डालना है वो आप गौर से देखिए ये एक बिल्कुल फूल प्रूफ मेथड और फूल प्रूफ रेसिपी है अगर आप जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं उस तरह से फॉलो करेंगे तो द रेसिपी विल नेवर गो रॉन्ग एंड द आउटकम विल बी एज परफेक्ट एज इट हैज टू बी इस तरह से आपने इसको डाल देना है ऊपर जैसे आप स्प्रिंकल कर रहे होते, होते हैं इट्स एग्जैक्टली एज सेम एज दैट इस तरह से आपने डो को स्प्रिंकल करते जाना है एंड देन उसके बाद आपने इसको लाइटली प्रेस कर देना है लाइटली प्रेस करने के बाद आप चाहें तो इसके ऊपर कोई भी टॉपिंग कर सकते हैं स्प्रिंकल्स हों चॉकलेट चिप्स हों व एवर यू लाइक इस तरह से ये हमारा डो प्रॉपरली मोल्ड में सेट हो गया है इसके बाद हमने लिए हैं इसके अंदर हाफ कप चॉकलेट चंक्स ये मिल्क चॉकलेट चंक्स है मेरे पास आप चाहें तो कोई भी चंक्स ऐड कर सकते हैं डार्क चॉकलेट मिल्क चॉकलेट वाइट चॉकलेट वॉट यू लाइक like. इस तरह से हमने इसको स्प्रेड किया और लाइटली इसको प्रेस किया अब हमें इस कुकी को बेक करना है 150 फिफ्टी डिग्री सेल्सियस पे अवन में फॉर एग्जैक्टली exactly 16 टू 17 मिनट्स ये कुकी हमारे पास बेक होके आ गई है देख सकते हैं आप इसको निकालने का बड़ा आसान तरीका है ये ग्लास लिया है हमने और इसके ऊपर हमने मिडल में रख दिया है अपने अमोल्ड को और जेंटली हमने स्क्रेप कर लिया है उसकी साइड्स को हमारा ये डीमोल्ड हो चुका है बहुत इजीली कुकी केक इसके बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे प्लेट में निकाल लिया है हमने अब हम इसको कट करेंगे वैसे ये जनरली uh, गर्म ही सर्व किया जाता है अगर कि तो आपको ठंडा करके खाना है तो आप वैसे भी खा सकते हैं आइसक्रीम के साथ इंजॉय करें हॉट चॉकलेट फट सॉस के साथ इंजॉय करें या इसको ऐसे ही इंजॉय करें जैसे भी आप चाहें डू ट्राई दिस रेसिपी एंड डोंट फोगेट टू कमेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विल मीट अगैन विद इन अदर एक्साइटिंग रेसिपी Don't forget to let us know about your feedback in the comment section below. I hope you have enjoyed the recipe. Take care. See you again next time. Till then, bye bye.